यूनाइटेड किंगडम में चुनाव के नतीजे करीब करीब अब सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूके के 650 सीटों में लेबर पार्टी अब तक 412 सीटें जीत चुकी है और 14 सालों बाद सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। कंजर्वेटिव को अब तक 121 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन वाले इस चुनाव में एक बात ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कौन सी वो बात है और ब्रिटेन में अब तक क्या कुछ हुआ है, यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहां पर जिस बात को सबसे ज्यादा आकर्षित किया जा रहा है वो है एग्जिट पोल का बिल्कुल सटीक साबित होना। पिछले दिनों हमने भारत के लोकसभा चुनाव में तकरीबन सभी टॉप एग्जिट पोल को गलत साबित होते हुए देखा था। यहां तमाम एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीए को एक तरफा जीत का अनुमान लगाया गया था। हालांकि नतीजे उसके बिल्कुल ही उलट आए और बीजेपी को गठबंधन की बदौलत सरकार बनानी पड़ी। यूके में पिछले करीब 20 साल से एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं और ये होते आ रहे हैं करीब करीब 20 सालों से। ऐसा क्या है कि यूके के एग्जिट पोल में जो ये अक्सर सही साबित होते रहे हैं, तो आइए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूके का एग्जिट पोल सही साबित कैसे होता रहा है। पहले जानते हैं यूके के इस बार के एग्जिट पोल के बारे में। यूके के चुनाव पर तीन मुख्य समाचार प्रसारकों बीबीसी, आईटीबी और स्काई टीवी न्यूज की तरफ से एक संयुक्त एग्जिट पोल जारी किया गया था। गुरुवार रात 10 बजे करीब करीब वोटिंग के समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल के अनुमान जारी किए गए। एग्जिट पोल में लेबर पार्टी को 410 सीटें और कंजर्वेटिव को 131 सीटें जीतने का अनुमान दिया गया। लिबरल डेमोक्रेटिक को 61 सीटें, रिफॉर्म यूके को 13, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 10 और प्लेड सिमरू को 4 और ग्रेन्स को 2 सीटें मिलने का अनुमान था। एग्जिट पोल के इन अनुमानों में 20 सीटों का मार्जिन ऑफ एरर रखा गया। यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि 2005 के बाद से प्रत्येक ब्रिटिश आम चुनाव में एक ही एग्जिट पोल होता आया है और यहां भारत जैसा नहीं है जहां सैकड़ों एजेंसियां एग्जिट पोल को अंजाम दे रही हैं या फिर एग्जिट पोल करने का दावा कर रही है। यहां पर एक ही है। 648 सीटों के नतीजे अब तक आए और यूके के एग्जिट पोल भी सही साबित हुए हैं, एक्यूरेट सही साबित हुए हैं। 650 सीटों वाले यूके संसदीय चुनाव में अब तक 648 सीटों के रिजल्ट आए हैं। अब तक के नतीजों से यह साफ हो गया है कि एग्जिट पोल का लेबर पार्टी को 410 सीटें मिलने का एक अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ, सही साबित हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में एग्जिट पोल के नतीजे सटीक साबित हो रहे हैं। पिछले 20 साल से यूके के एग्जिट पोल करीब करीब सटीक साबित होते आ रहे हैं। ब्रिटेन में कैसे होता है एग्जिट पोल जिससे आते हैं सटीक आंकड़े, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूके में साल 2000 से एक ही पैटर्न पर एग्जिट पोल हो रहे हैं। यहां पर एग्जिट पोल डेविड फर्थ और जॉन कर्टिस के सांख्यिकीय दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यहां पर एग्जिट पोल करने का तरीका है कि जब मतदाता वोट करके बाहर निकलते हैं तो फिर फील्ड वर्कर उन्हें करीब 20 सवालों वाली एक सीट देते हैं। देश भर में करीब करीब 130 मतदाता स्थलों पर, मतदान स्थलों पर 20,000 से अधिक लोगों से एक सीट भरवाई जाती है, यानी यूके के कुल 650 संसदीय सीटों पर सर्वे नहीं किया जाता। आपको यह भी बता दें कि डेविड फर्थ एक ब्रिटिश प्रसिद्ध सांख्यिकी वेद है और जो इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विभाग में अमेरिटस प्रोफेसर है। एग्जिट पोल कराने की ये प्रक्रिया उन्हीं के दिमाग की उपज है। अब फिक्स बूथ से कैसे सैंपलिंग होती है इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। यूके के एग्जिट पोल की एक और खासियत है, यहां पर सैंपलिंग उन्हीं संस्थानों से की जाती है जहां से पिछले चुनाव में की गई थी। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होता है कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में जाकर वहां पर सैंपल इकट्ठा कर लिया जाए। इस प्रक्रिया की यही खास बात है कि हर बार एक फिक्स बूथ से ही सैंपलिंग की जाती है। इसके पीछे की सोच ये है कि सैंपल के कुल योग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शोधकर्ता
बूथ स्तर पर तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में वोट कैसे बदल गया। ऐसे बदलाव को आधार बनाकर फिर से सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग हुए और फिर वे प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए अपने अनुमान का प्रोजेक्ट भी करते हैं। भारत या फिर और भी कई देशों में ऐसी कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। सर्वे करने वाली एजेंसी या लोग किसी भी संसदीय क्षेत्र में से कहीं से भी आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं और उसी आधार पर अपने अनुमान जारी कर देते हैं। ये भारत की भी बात है, दोनों देशों के एग्जिट पोल पर एक्सपर्ट की भी राय जाननी जरूरी थी, इसलिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। इस बात को समझने के लिए हमने CSSP समाज और राजनीति के अध्ययन के लिए केंद्र के फेलो और प्रोफेसर संजय कुमार से बातचीत की। CSSP के संजय कुमार ने बताया कि भारत में एग्जिट पोल की प्रक्रिया साइंटिफिक नहीं है। यहां पर एग्जिट पोल की सैंपलिंग रैंडम होती है, जो कि इसकी असफलता का प्रमुख कारण है, जबकि पश्चिम के देशों में यह प्रक्रिया साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से होती है, जिससे उन्हें जनमत का ट्रेंड क्लियर पता चलता है और उनके अनुमान सटीक साबित होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है। जैसे लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया, उसके 5 दिन के बाद ही एक एजेंसी ने अपना सर्वे जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी को 409 सीटें दे दी गई। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि भारत में एग्जिट पोल जारी करना एक मार्केट बन गया, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हालांकि भारत की तरह ब्रिटेन में ये एग्जिट पोल सही साबित वहां भारत में नहीं हुए, लेकिन ब्रिटेन में सही साबित हुए। इसको लेकर भी कई सारे एक्सपर्टों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी एक अलग थ्योरी है, लेकिन ब्रिटेन के एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, इस वजह से भारत में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। अब वहां पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं है, उनके जगह पर कंजर्वेटिव पार्टी के कोई जो लीडर है वो अब प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद फिर से ये एक नए ब्रिटेन के लिए नई एरा की शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें कि ये जो जानकारी आपको दी गई थी, इस जानकारी को अभिषेक श्रीवास्तव ने लिखा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।